हम इस पथ पर सागर जिले के राजगढ़ के बार पथ पर खड़े हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। हम अपने कैमरा पर्सन आसिफ कुरैशी के कहने के दिखाएंगे, सामने जो दिखाई दे रहा है हमारे दर्शकों को, ये राजगढ़ के वाटरफॉल का खूबसूरत नज़ारा है। झरना है जिसे कि वाटरफॉल कहा जाता है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अबुन बताया ये भी जा रहा है कि करीब 10 से 12 जिलों के लोग यहाँ पर, अबुमन ऐसा भी बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से भी दूर दूर से दूर दराज से लोग देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। कैमरा पर्सन आसिफ से बोलेंगे, दिखाएंगे यहाँ जो है स्पॉट है, यहाँ पर सब लोग घूमने आते हैं। बाउंड्री बाकायदा प्रशासन द्वारा कर दी गई है। शाम का समय है और दिन डूबने को है, लेकिन खूबसूरत नज़ारा है झरने का। हमारे बंसली उसके दर्शन देख पा रहे होंगे, कितना खूबसूरत नज़ारा जो है वाटरफॉल का है और झरने का है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। जैसा कि माना जा रहा है कि बारिश के दिनों में जितना ज़्यादा पानी होगा, ये बीना नदी है जिस पर झरना है, खूबसूरत वाटरफॉल। लोगों का यही मानना है कि जब तेज़ बारिश होती है, जब नदी उफान पर होती है, इसका जो है नज़ारा जो है खूबसूरत देखते ही बनता है। हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कितना खूबसूरत जो है झरना है, जिसको वाटरफॉल कहा जाता है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में, खास तौर से मैं बता दूँ अपने पंचायत के दर्शकों को, संडे के दिन, रविवार के दिन बहुत लोग खूबसूरत यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। धर्म में कैमरा पर्सन से बोलेंगे, दिखाए सामने जो है नज़ारा है, झरना है, वाटरफॉल है, बहुत खूबसूरत झरना जिसे कहा जाता है, जिसको वाटरफॉल कहते हैं। जैसा कि अभी हमें कुछ दर्शकों ने बताया है कि हम 150 से 200 किलोमीटर दूर से देखने के लिए आए हैं। बाकी खूबसूरत नज़ारा है जो कि देखते ही बनता है। इस वाटरफॉल झरने की खूबसूरती के लिए लोग बहुत दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। कैमरा पर्सन आसिफ कुरैशी के साथ राशिद मीर, बंसल न्यूज़।